वेल माई डियर स्टूडेंट द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इन हैंड इज प्रियम्बल ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व इस सेशन में हम कुछ तो प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स जो लेबर लॉ पाकिस्तान के हैं वो ट्रेड यूनियन को डिफाइन करते हैं और उनके मुताबिक ट्रेड यूनियन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन हूज प्राइमरी पर्पज इज टू प्रमोट एंड डिफेंड वर्कर्स तो ट्रेड यूनियन का जो पर्पज है वो वर्कर्स को इकट्ठा करना और उनको डिफेंड करना है उनके राइट्स को डिफेंड करना है उनके इंटरेस्ट को डिफेंड करना है किसी भी इंडस्ट्री में या इस्टबलिशमेंट ये ट्रेड यूनियन जब बनेगी तो राइट टू जॉइन एसोसिएशन भी होना चाहिए और ये राइट टू जॉइन ट्रेड एसोसिएशन सेक्ट्रा जो है ये गारंटेड राइट right है अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये आर्टिकल 17 क्या कहता है ये कहता है एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस

ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली ग्रंटीज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बट ऑल्सो राइट ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग एज अ फंडामेंटल राइट यह कलेक्टिव बारगेनिंग किया यह मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं अगर आपने इसको और समझना है तो काइंडली ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी को कंसल्ट करें कलेक्टिव से मतलब है इज्तमाही बार्गेनिंग से मतलब है निगोशिएट करना तो इसका मतलब हुआ कि जब आप ट्रेड यूनियन बनाते हैं तो ट्रेड यूनियन सब वर्कर्स के बिहाफ पर निगोशियट करेगी तो वो कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट बन जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है वो इजाजत दे रहा है कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये ट्रेड यूनियंस जो है ये वर्कर्स की भी बन सकती हैं और एम्प्लॉयर्स की भी बन सकती है तो बाई ड स्टूडेंट्स ट्रेड यूनियंस के मुतालिक जो स्पेशल लॉ एग्जिस्ट करता है वो आई आर यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू है और उसमें जो ट्रेड यूनियंस हैं या एम्प्लॉय की यूनियंस हैं उनको रजिस्टर्ड करने का प्रोसेस है सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हैं उनको करने का प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट्स आपके इलम में ये बात पहले भी है और दोबारा लाई जा रही है कि आफ्टर पैसेज ऑफ या आफ्टर पासिंग आप कह लें जो अट्ठारहवीं तरमीम है लेबर जो मुतल बातें हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अब फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में नहीं है और कॉन्कर लेजिस्लेटिव रिट से निकाल दी गई हैं बल्कि अब वो प्रोविंस की डोमेन में आ चुकी हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के मुतलक आपको इसके प्रीएम्बल के मुतलक कुछ ये बात बताते चलें कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू है ये कंसॉलिडेट कर रहा है लॉज को यानी पुराने लॉज को भी साथ लेके चल रहा है और वो लॉज रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के साथ फेडरेशन का भी हो गया और उसमें ये भी बात है कि कैसे डिटरमिन होगा कि कौन कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट है और कैसे रेगुलेट किए जाएंगे रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स तो माइडिड स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट 2012 है ये क्लियरली स्टेट करता है कि वर्कर्स हैव राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ देयर ओन चूजिंग विदाउट प्रीवियस ऑथराइजेशन ऑथोराइजेशन माइडेड स्टूडेंट द एक्ट फर्दर प्रोवाइड्स हाउ टू अवॉइड एंड सेटल एनी डिस्प्यूट्स और डिफरेंस बोथ द नेशनल एंड प्रोविशल डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द वर्कर्स फ्रॉम फार्मिंग एंड ज्वाइनिंग द एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन ऑफ देयर चॉइस तो बाई डियर स्टूडेंट्स कुछ और आपके इलम में लाना जरूरी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई दफा होता है कि कोई वर्कर्स जो हैं, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत कवर नहीं हो रहे तो उनके बारे में आपको बताना जरूरी है देखिए और सुनिए इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर सेक्टर वेयर अराउंड फोर्टी टू पॉइंट 27% of the labor force is employed, or this is labor force survey 2014 15. Now, my dear students, you one more agriculture workers are free to join and form associations, however, they can't collectively bargain under the Industrial Relations Act as this law is not applicable to agriculture sector. But the industrial relations legislation in Blochistan and Sindh has allowed agriculture workers to form and join trade unions. Thank you very much, Deed. Hope you have understood the topic.